हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बंगाल शैली की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बंगाल शैली के बारे में जाना, बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में जाना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे, जिनका नाम है सरोज मुखर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1907 में और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1970 में। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ है? 1907 में और इनकी मृत्यु हुई है 1970 में। ठीक, सरोज मुखर्जी ये एक पुरुष कलाकार हैं। ठीक, पुरुष कलाकार हैं। ठीक, चलिए जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म हुआ है 1907 में। ठीक है, 1907 में कहाँ पर हुआ है? तो कलकत्ता में हुआ है। ठीक, कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक, पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ पर? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक, चलिए इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु हुई है 1970 ईस्वी में। ठीक, 1970 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमुख शिष्य। ठीक, प्रमुख शिष्य कौन है इनके? राम कुमार। ठीक, प्रमुख शिष्य हैं इनके किसके? सरोज मुखर्जी के प्रमुख शिष्य हैं राम कुमार। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक। ठीक, ये कहाँ पर शिक्षक रहे हैं? ठीक, चलिए तो ये दिल्ली में शिक्षक रहे हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरोज मुखर्जी, लिख लीजिए फिर समझाएंगे। ठीक, सरोज मुखर्जी लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? लोक कलाकार के रूप में, के रूप में जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरोज मुखर्जी किससे प्रभावित थे? तो सरोज मुखर्जी प्रभाववाद से प्रभावित थे। किससे? प्रभाववाद से प्रभावित थे। ठीक, प्रभावित थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सरोज मुखर्जी पर किसका? मोदी ग्याली और मातिस का प्रभाव था, और मातिस का प्रभाव था। ठीक है, मोदी ग्याली और मातिस का प्रभाव था। चलिए समझ लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं सरोज मुखर्जी जन्म कब हुआ है? तो 1907 में हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1970 में हुई है। ठीक, आपको नाम से लग रहा होगा कि ये महिला कलाकार है, मगर ये पुरुष कलाकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनका जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में। कहाँ? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 1970 ईस्वी में। ठीक है, ये प्रमुख शिष्य कौन है? तो आपसे पूछा जा सकता है सरोज मुखर्जी के शिष्य कौन है? तो राम कुमार। या राम कुमार किसके शिष्य हैं? तो आप कहेंगे सरोज मुखर्जी के। सरोज मुखर्जी कहाँ पर शिक्षक रहे? तो ये दिल्ली में शिक्षक रहे हैं। कहाँ पर? दिल्ली में शिक्षक रहे हैं। सरोज मुखर्जी किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये एक लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, सरोज मुखर्जी लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। सरोज मुखर्जी किससे प्रभावित थे? तो ये प्रभाववाद से प्रभावित थे। किससे? प्रभाववाद से प्रभावित थे। ठीक, सरोज मुखर्जी पर किसका प्रभाव था? तो मोदी ग्याली और मातिस का प्रभाव था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रभावित किससे? तो आप कहेंगे प्रभाववाद से। मगर इनके ऊपर प्रभाव किसका था? तो आप कहेंगे मोदी ग्याली और मातिस का प्रभाव था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरोज मुखर्जी के, इसके सरोज मुखर्जी के चित्रों की, सरोज मुखर्जी के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी की प्रथम एकल प्रदर्शनी प्रथम एकल प्रदर्शनी कब 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में कहाँ पर कलकत्ता में आयोजित हुआ में कलकत्ता में आयोजित हुआ कलकत्ता में आयोजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरोज मुखर्जी 1944 ईस्वी में कब 1944 ईस्वी में सरोज दिल्ली के शारदा चरण वकील कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किए। ठीक, कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। ठीक, सरोज ने दिल्ली के शारदा चरण वकील कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरोज मुखर्जी को सबसे ज़्यादा ख्याति सरोज मुखर्जी को सबसे ज़्यादा ख्याति ख्याति विदेशों में प्राप्त हुई। कहाँ पर? विदेशों में प्राप्त हुई। ठीक, में प्राप्त हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनका चित्र है कौन सा? चुंबन। ठीक है, चुंबन नामक चित्र कहाँ पर बनाया? तो पेरिस में बनाया। ठीक, कहाँ पर? पेरिस में बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरोज मुखर्जी किसका सेवन करते थे? तो सरोज मुखर्जी मदिरा का सेवन करते थे। ठीक है, मदिरा का सेवन करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत में फाओवादी कलाकार सरोज मुखर्जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? फाओवादी कलाकार सरोज मुखर्जी को माना जाता है ठीक है, और इनके कुछ प्रमुख चित्र वो भी लिख ही लेंगे यहीं पर। ठीक है, प्रमुख चित्र इनके प्रमुख चित्र हैं दो हैं, कौन कौन से? ग्रामीण परिवार। ठीक है,
रामीर परिवार और दूसरा है चुंबन, ठीक है चुंबन। चलिए अब समझ लेते हैं इनको, ठीक है। तो सैलोज मुखर्जी के चित्रों की क्या प्रथम एकल प्रदर्शनी, ठीक, पहली एकल प्रदर्शनी यानी ऐसी प्रदर्शनी जो इन्होंने अकेले लगाई थी वो कब, 1937 ईस्वी में लगाई थी, ठीक। कहाँ पे लगाई थी, कलकत्ता में लगाई थी, ठीक। तो सैलोज मुखर्जी की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब हुई, 1937 में। कहाँ हुई, तो कलकत्ता में हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। 1944 ईस्वी में सैलोज ने दिल्ली के, कहाँ किसने, सैलोज ने दिल्ली के शारदा चरण वकील कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किया, ठीक। क्या क्या शिक्षण का कार्य किया यानी पढ़ाया, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सैलोज मुखर्जी ने किस कला विद्यालय में पढ़ाया, तो शारदा चरण वकील कला विद्यालय में। ये कहाँ है, तो ये दिल्ली में, कब, 1944 में पढ़ाया, ठीक। क्योंकि इन्होंने क्या किया था वहाँ पर, शिक्षण कार्य किया था यानी वहाँ पर पढ़ाया था, ठीक। तो सैलोज मुखर्जी को सबसे ज़्यादा ख्याति कहाँ प्राप्त हुई है, तो सबसे ज़्यादा ख्याति इन्हें विदेशों में प्राप्त हुई है, किसको, सैलोज मुखर्जी को, ठीक। चुंबन नामक चित्र, ठीक, चुंबन किसका चित्र आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे सैलोज मुखर्जी का है। यह चित्र इन्होंने कहाँ बनाया, तो ये चित्र इन्होंने पेरिस में बनाया, ठीक। तो चुंबन किसका चित्र हो गया, सैलोज मुखर्जी का, और ये कहाँ बनाया है, पेरिस में बनाया है, ठीक। सैलोज मुखर्जी किसका सेवन करते थे, तो सैलोज मुखर्जी मदिरा का सेवन करते थे, ठीक। किसका, मदिरा का सेवन करते थे, ठीक। भारत में पाववादी कलाकार सैलोज मुखर्जी को माना जाता है, ठीक। तो भारत में पाववादी कलाकार किसको माना जाता है, सैलोज मुखर्जी को माना जाता है, ठीक। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो ग्रामीण परिवार हो गया और चुंबन हो गया, यही इनके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र हो गए। कौन कौन से, ग्रामीण परिवार और चुंबन, ठीक। मैंने आपको जितना लिखा है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।